एक बड़ी अपडेट, दक्षिण 24 परगना में ईवीएम फेंकने की रिपोर्ट पर अब मुख्य चुनाव अधिकारी का जवाब आ गया है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि सेक्टर अधिकारी के रिजर्व ईवीएम और कागजात स्थानीय भीड़ ने लूटा था। इस दौरान एक सीयू, एक बीयू, दो वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंका गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वही कहा गया सेक्टर के अंतर्गत आने वाले सभी 6 बूथों पर सुचारू रूप से मतदान जारी है। सीईओ ने बताया कि नई ईवीएम और कागजात भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। बता दें पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग के बीच बड़ा विवाद सामने आया था। कुलतली में बूथ 40-41 की एक घटना है जहां गुस्साई भीड़ ने तालाब में ईवीएम और वीवीपैट फेंक दिए थे।